Yo, what's happening guys? My name is Loggy और आज हम एक बारी फिर से माफिया वाली सिटी के अंदर मौजूद हैं और आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलेगा अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो। और पिछली वीडियो में गाइस आपको याद होगा मैं और चपाती भाई यहाँ पर इलीगल पुलिस की जॉब यहाँ पर कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा बंदों को लूटा, बहुत ज्यादा रिश्वत हमने यहाँ पर ली और बहुत ज्यादा पैसे भी कमाए। लेकिन जॉब के बीच में गाइस यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी पिछली वीडियो में, तो आपको याद होगा कि हमने एक्चुअली यहाँ पर माफिया वाले बंदे के साथ यहाँ पर गलती से पंगा ले लिया और फिर माफिया हमें लेकर आया सीधा इस खतरनाक मेंशन के अंदर और अभी हम लिटरली यहाँ पर फंस चुके हैं। और माफिया ने ऑल्सो हमें यहाँ पर बड़ी खतरनाक जॉब भी देकर रखी है, तो उसने बोल के रखा है कि उसके पास कोई गाड़ी है जो हमें एक सीक्रेट लोकेशन पे लेके जानी है, तो आई थिंक वो वाली जॉब भी हमें आज करनी पड़ेगी। तो आज वाली वीडियो यार बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, लेकिन फिलहाल माफिया ने हमें बोल के रखा है कि तू हमारे मेंशन के अंदर आया है तो यहाँ पर चिल मार। और मैं एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज्यादा चिल मार रहा हूँ यार, ये देख रहे हो कैसे यहाँ पर भाई रूफ टॉप पे क्या मैंने मस्त यहाँ पर बेंच मैंने ढूंढ लिया है, क्या मस्त व्यू है यहाँ पर सिटी का। ये जाएगा यहाँ पर लीजिए अपना। चपाती भाई क्या कर रहे हैं? यहाँ से रेडी हो चुका है एक और फ्रेश केक अपने किचन का। खुशबू सुंदर भाई, खुशबू तो मुझे सामने तक आ गई, लेकिन कर क्या रहे हो यहाँ पे? अरे खाना पीना बना रहा हूँ यार, सुबह के टाइम में मैंने सोचा कि क्यों ना एक खतरनाक वाला 500 अंडे वाला ब्रेकफास्ट होना चाहिए यहाँ पर। भाई माफिया माइंड तो नहीं करेगा ना? अबे माफिया के मेहमान है, हाँ माफिया ने खुद मेरे को बोल कर रखा कि भाई तेरे को जो खाना है पीना ऊपर किचन के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, तेरे को कुछ खाना है तो खुद खा ले, अगर तेरे को कुछ बनाना है तो खुद बना ले। अरे वैसे यार सही बात है यार, मैं भी कब से यही कर रहा हूँ। ये देखो भाई सामने यहाँ पर मस्त वाला बेंच बना हुआ है, मैं कब से भाई सुबह 2 घंटे में यहाँ पर बैठा हूँ। ये देखो यहाँ पर कितने ज्यादा चाय के फ्लेवर भी पड़े हुए हैं, ये देखो ऊपर ग्रीन टी पड़ी हुई है, नीचे रेसबेरी वाली चाय पड़ी हुई है, ये वाली चाय तो भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ। और माफिया की ऐश है यार, तो भाई हमारी तो सिर्फ एक ही चाय फ्लेवर की आदत है, वही भाई अदरक वाली भाई। मेरे को भी बढ़ाओ के ब्रो, मैं बता रहा हूं गाइस, मेरे को बता नहीं, मेरे को भी बढ़ाओ के माफिया बनना भाई। ऐसे लग्जरी वाली लाइफ मेरे को भी चाहिए भाई, खतरनाक है यार ये ले। ये तो कुछ भी नहीं है, ये देखो भाई अभी मटन मुटन को छोड़िए, देखो वेंडिंग मशीन के अंदर फ्रेश मैकडोनल्ड्स पड़ा हुआ है। वो पैसे लेगा वो माफिया वाला बंदा? अरे नहीं लेगा भाई, वैसे चलो छोड़ो यार, वैसे मुझे पता नहीं है, अगर मैं खोल के देखूं तो वो खाली है। अरे नहीं है भाई, अगर मैं तेरी भाई साहब 64 सब कुछ पड़ा हुआ है, काम करते यहाँ से मैं 2-3 ये आधा स्टैक बर्गर का ले लेता हूँ। फ्री है क्या? हाँ, भाई जरा खा के तो देखो, क्या बढ़िया टेस्ट है। ये लो भाई 5-6 बर्गर आप भी ले लो। अबे चटनी वाला पैकेज वाला फेंक ना, चटनी वाला बर्गर कहाँ पर है? अरे देख तो रहे हो ना भाई, मोटे बर्गर क्या चटनी और चीज दबा के लगी हुई है भाई इसके अंदर। तो इसके बाद बर्गर के बाद मैं बता रहा हूँ लोगे, बर्गर के बाद खतरनाक वाला केक हो जाए ना तो एकदम से पूरा दिन लाजवाब बीतेगा अपना यार। वही तो यार, हम अपने छोटे से घर के अंदर कब से भाई आलू ही खा रहे हैं भाई, आलू केक। अरे भाई ये वाला केक क्या मस्त लग रहा है, काम करते मैं भी अच्छा मैं नहीं खा पा रहा यार, मैंने अभी बर्गर खा लिया। मतलब कि तेरे को मारना पड़ेगा ये लेके खा। रहने दो भाई, सामने माफिया का गार्ड खड़ा हुआ है। अरे वो अपना ही बंदा, टेंशन ना। अरे मैं तो यार केक खा के एकदम से भाई मजा ही आ गया मेरे को, दिन की शुरुआत गाइस एकदम से बढ़िया हो रही है यहाँ पर। अरे भाई थोड़ी बहुत भूख मुझे भी यहाँ पर लग चुकी है, तो यहाँ पर केक पड़ा मैं एक स्लाइस यहाँ से ले लेता हूँ। क्रिस्टियानो भाई बहुत ज्यादा मजेदार है यार, क्या मस्त चेरी भी ऊपर लगी हुई है। तेरे को एक बात पूछने वाला था, पिछले 2 दिन से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, माफिया घर के अंदर पूरा चिल मार रहे हैं, ये हमारी खिस्मत ही कर रहा है, मिशन तो दे नहीं रहा। आ गया यार टेक्स्ट आ गया भाई, क्या लिखा है? चलो क्या लिखा है? चिल को जो दिन अच्छा जा रहा है क्या? माफिया मंगलू सिंह जी भाई आपके होते हुए हमारा दिन खराब ही नहीं हो सकता यार। वही तो यार, ये मैं तो भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। वैसे यार आपने अंदर से ये मेंशन देखा है? बहुत बड़ा मेंशन है, मैंने तो पूरा देखा भी नहीं है। वो मेंशन अभी फिर कभी देखेंगे लोग, वो माफिया सर जी नीचे बुला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी कार रेडी है? ओह माय गॉड, इसका मतलब याद है ना भाई? मुझे याद है पिछली वीडियो में उसने बोल के रखा था कि हमें यहाँ पर बहुत खतरनाक मिशन करना है और इस मिशन में एक्चुअली हमारे ऊपर अटैक भी हो सकता है, उसने ये भी बोल के रखा था। तो अटैक डिफेंस में क्या बर्गर मारेंगे उसको? तो यार मेरे पास तो सिर्फ ये चोमूसी डायमंड की सोर्ड है जो मैं दुबई सिटी से लेकर आया था और मैंने अभी तक यूज नहीं किया है। अभी नीचे कैसे जाना ये बता मेरे को? अरे जैसे ऊपर आए वहीं से ही नीचे जाएंगे ना भाई। अगर यहाँ से बड़ा इतना बड़ा मेंशन है कि मैं भाई यहाँ पर स्टेज का रास्ता ही मैं भूल चुका हूँ यहाँ पे। ऑनेस्टली हम ऊपर कैसे आए थे मेरे को तो याद भी नहीं है ब्रो। काम करते शीशा तोड़ के नीचे चले जाते हैं। अगर शीशा तोड़ के नीचे जाएगा ना तो माफिया के बंदे तेरे को सीधा ऊपर ही पहुंचा देंगे, तो ऐसे गलती मत करियो यहाँ पर। भाई उसके पास बड़ा पैसा है भाई, एक शीशे का वो आई थिंक वो माइंड नहीं करेगा। रास्ता ढूंढ, नीचे कैसे जाना? ये क्या रास्ता? ये बोलियो
आई थिंक यही लग रहा है मुझे रास्ता। अरे वो एग्जॉस्ट था, चल कुचा कुचा कुचा। चलो भाई यहीं से ही चले जाते हैं नीचे। ओके आ गया आ गया। मैं एग्जॉस्ट के रस्ते से लॉगी नीचे जा रहा है यार, व्हिच इज नॉट गुड। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, माफिया को पता नहीं लगना चाहिए कि हम ये चोमू काम कर रहे हैं। तभी मैं कहूं कि हमें किसी को, हमें कोई अपने घर के अंदर बुलाता क्यों नहीं है। ये टेंशन मत करो भाई, टेंशन मत करो। चलो भाई नीचे आ जाओ। अच्छा ये यहाँ पर स्टेयर बनी तो हुई है, यहाँ पे टेंशन नॉट। ये रही स्टेयर यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, मैं जल्दी से अभी अब की बारी मुझे स्टेयर से नीचे जाना है। और आई थिंक माफिया लिटरली हमारा नीचे यहाँ पर वेट कर रहा है। और देख रहे हो यार इसका मेंशन कितना बड़ा है। और ये रहा माफिया सर जी, ये रहा चिल मार रहा है। हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग आपको। बैठिए बैठिए। ओ तेरी भाई सर, इससे पहले एआर निकाल ली भाई इसने। अरे आई थिंक इसका सर जी, इधर आइए। आपका दिन अच्छा करने के लिए हम आपके लिए लेके आए फ्रेश बर्गर। भाई ये उसके खुद के बर्गर है भाई, क्या मजाक कर रहा है। उसको नहीं पता। अरे मैंने अपने हाथों से बनाया सर जी, अपने हाथों से। हाँ प्रोटीन वाला। वही तो यार, देखो क्या मस्त वाला बेकन लगा हुआ है, ऊपर चीज भी लगी हुई है। और क्या बोल रहा है, मेरा बर्गर मेरे को दे रहा है, समझ गया लौंडा बहुत तेज है। वही तो यार, ऑब्वियसली उसका बर्गर है, उसको तो पता ही होगा। यहाँ पे ये लिखा मैंने चूहों के लिए रखा था। क्या कर रहे हो यार, ये कौन सा बर्गर मुझे खिला दिया। बेइज्जती करवा दी तूने मेरी यहाँ पर, कि किसी इस बंदे को कभी बाहर लेके जाना नहीं चाहिए घर से। ये रहने, मैं कह रहा हूँ भाई केक भी छोड़ दो, कहिए भाई किसी और के लिए ना बनाओ। बेइज्जती बहुत है, क्या करना है चूहों के लिए, इंसानों के लिए क्या फर्क पड़ता है यार, हमें तो पेट की भूख मिटानी है ना। ओके चलो एनीवेज, हाँ छोड़ दिया छोड़ दिया। वैसे यार ये जो आलू हम कब से खा रहे हैं उससे तो ज्यादा टेस्टी चूहों का खाना है। अभी मिशन कब शुरू होगा माफिया सर जी, रात होने वाली है। भाई तो यार उसने बोल के तो रखा था की हमारी गाड़ी बार यहाँ पर एकदम से रेडी है, खड़ी है रनवे के ऊपर। आई थिंक आज छुट्टी है, लेट्स गो। बोल रहा है भाई। ये क्या लिखा है यहाँ पर, गन्स उठा यहाँ से। कहाँ से उठानी है भाई गन्स, कहाँ से उठानी है। सॉरी सॉरी सर जी, मैं मजाक कर रहा था, गन नीचे कर लीजिए, लग जाएगी, डाकू वाली बंदूक है ये, बहुत ज्यादा सरी पार देगी मेरा तो यार ये। वैसे यार मुझे जानना है कि इसके पास कितनी मोटी बंदूक यहाँ पर होगी। यो ये वाला वो भाई सब, यार अंदर तो ग्रेनेड्स पड़ी हुई है। और इसके अंदर क्या पड़ा है, वो स्कार पड़ी हुई है MK-18 AK-47। मैं AK-47 उठा लेता हूँ, साथ में बहुत ज्यादा गोल्डन एप्पल और खाना भी चख लेता हूँ मैं यहाँ से। बहुत माफिया खेल लिया हम लोगों ने यहाँ पर। मैंने तो यार उसके साथ पूरी फौज है यहाँ पे। नहीं खेला, मजाक कर टेस्टिंग कर रहा था सर जी। देखो मेरे को चेकआउट करना होता है कि गन से एक्चुअली बंदे डरते हैं कि नहीं डरते। हाँ एक्चुअली अच्छी, ये वाले नहीं डर रहा है भाई। अच्छा मेरी बिल्ली मेरे पर म्याऊ, ए म्याऊ नहीं बोलेगा भाई। हाँ हाँ बिल्ली, माफिया के साथ क्या पंगे ले रहे हो भाई। आपको पता ना उसके पास पूरी फौज है यहाँ पे। मेरे को एक सेकंड बाहर जाके गन चलानी है। अरे एक सेकंड यार, ए इसका एमओ कहाँ पर है भाई, एमओ तो मुझे दिया ही नहीं। टची के अंदर ही, टची खोलना, कबाड़ी वाले से लेके आया यार ये माल। तो लगता है इसने गलत गोलियां हमें यहाँ पर दे दी भाई। सर जी AK-47 की गोलियां मुझे यहाँ पर चाहिए। एक मिनट भाई, मैं गन यहाँ पर स्वैप कर लेता हूँ। अगर मैं ये रख के ये वाली उठा लूँ, और हाँ इसके अंदर गोलियां है भाई, चल रही है भाई। माफिया के ऊपर नहीं मारना हमें, अबे रीलोड नल्लो रीलोड करनी होती है। अच्छा क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। सॉरी हम टेस्टिंग कर रहे हैं यार। देखो जिसके पास गन होती है उससे पंगा नहीं लेते, ठीक है। सर जी थोड़ी बहुत अटैचमेंट तेरी, हां नहीं चाहिए, अटैचमेंट भी नहीं चाहिए भाई। अबे तेरा कैसे लूट जाएगा, मेरे को क्या धमकी दे रहा है। ओके अभी करना क्या माफिया सर जी, ये बताइए, मुझे भी टेस्टिंग करनी है। हाँ बाहर जाके करिए। ए सर जी धमकी नहीं देनी। ओ तेरी भाई साहब, मार रहा इसने। ओए सर जी आपको पता ना, अगर हमें यहाँ पर कुछ हो गया तो आपका मिशन कोई भी नहीं कर पाएगा। लेट्स गो, मतलब कि तेरे को हमें आरी जरूरत है। पीछे से एम करता हूँ और हमको तेरी जरूरत है। चिड़ी चक्का खेलना आता हमको भी। हाँ लोग मारी पीछे से फटका है, आगे से मैं मारता हूँ, इसके माफी होगा घर के लोगों का। प्रैक्टिस करनी होती है ना, आपने बोला था खतरनाक वाला मिशन है। उसने बोला था ना पिछली वीडियो में FBI भी इसमें इन्वॉल्व्ड है। हाँ तो FBI को डराना इतना इजी नहीं है। क्या लिखा है, चलो इधर। अरे ये देख रहे हो भाई गाड़ी, पीली वाली गाड़ी यार, कितनी ज्यादा मस्त लग रही है एकदम से। पीली वाली गाड़ी हमारा पीलिया निकलवा देगी भाई, ये फोर व्हील वाली ड्राइवर भाई, मतलब की गाड़ी के अंदर हमें बड़ी खतरनाक गाड़ी है, ऑफ रोडिंग करनी होगी हमको। ओके क्या बोल रहे हैं सर जी, देखो ये गाड़ी तो हमें पोटेटो फैक्ट्री पे लेकर जानी है। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अरे अरे भाई जॉब तो एकदम से इजी है, लेकिन आई थिंक बीच में अगर हमारे ऊपर अटैक हो गया तो, क्योंकि इसने साथ में हमें मोटी बंदूकें भी देकर रखी हैं। ये धमकी दे रहा, समझा रहा, वो समझ नहीं आ रही है। बोल रहा है वो, देखो भाई हाँ पता लगेगा वो तो। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये डायलॉग से, ये लाइन से धमकी दे रहा है कि हमको समझा रहा है या वार्निंग दे रहा है, या बात नहीं बन रही ब्रो, जरा विस्तार में समझा रहा है मेरे को भैया जी। आई थिंक सर जी हमें यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं कि मे बी बीच में हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, मे बी FBI का अटैक हो सकता है, मे बी दूसरे गैंग के बंदे का भी अटैक हो सकता है। वो देखो मुंडी हिला रहा है। को सोया नहीं है क्या तू? रात तो फिर से भी हो चुकी है यहाँ पे, अभी बल पड़ गया क्या? मुर्गी की तरह मुर्गी की तरह मुंडी हिला रहा है यहाँ पे। ओके मेरे को खबर मिली है। अच्छा तेरे को
कुछ गुंडे यहाँ आए हैं इस गाड़ी को लेने। ये वाली गाड़ी क्या? ये कौन सी चूमू गाड़ी है भाई? अरे कोई ना कोई तो स्पेशल फीचर होगा इस गाड़ी के अंदर। मे बी इसके अंदर कोई ट्रैकिंग फीचर नहीं है तो ये एक क्राइम में यूज हो सकती है ये वाली गाड़ी। और तूने इसे बता कर रखा था ब्रो, इसने बता कर रखा था कि अच्छा? इस गाड़ी की वैल्यू 20 मिलियन। अरे उसने बोल के तो रखा है कि अंदर डायमंड्स लगे हुए हैं हिडन। ओके समझ गया भाई, अभी तभी इसकी वैल्यू 20 मिलियन डॉलर्स है। एक काम करते, रात के अंधेरे में गाड़ी लेके जाएंगे तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, ठीक है? हाँ, रात को सारे सो रहे होंगे भाई, आराम से अपनी डेस्टिनेशन तक गाड़ी पहुंच जाएगी। चल बैठ गाड़ी के अंदर बैठ। ओके, और सारा सरजी से मैं चेक कर लो, सरजी पेट्रोल नहीं है गाड़ी के अंदर। क्या बात कर रहा है यार, अरे गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है यार। सॉरी, बोलने का तरीका थोड़ा बहुत कैजुअल है। माफिया कहीं गए भाई, हमें गाड़ी अभी ऐसे लेकर जानी पड़ेगी। क्या कर रहा है यार, क्या हो रहा है यार यहाँ पर? सरजी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है भाई, आप अपने बंदे को बोलो पहले गाड़ी में पेट्रोल डलवा दो। अरे सर जी पेट्रोल दीजिए हमको। देर भी को भाई, सर जी के पास तो पूरा पीपा यहाँ पर इन्वेंटोरी के अंदर पड़ा हुआ है। डालिए पेट्रोल, डालिए। तो मैं पहले यहाँ पर जल्दी से पेट्रोल डाल देते। अरे यार, मैंने गलती से गाड़ी को स्क्रैच कर दिया साइड से। अबे गाड़ी डैमेज नहीं होनी चाहिए। अरे उसको पता नहीं लगना चाहिए भाई, टेंशन मत करो। एक काम कर, लोगी गाड़ी मैं चलाऊंगा और तू पीछे से जो है बैकअप दियो। ठीक है चलो भाई। ओके, मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ। मेरे हाथों में यहाँ पर बंदूक एकदम से रेडी है और जरा मैं चेक करूँ मैं यहाँ से गोली चला तो सकता हूँ। ओके, चल रही है, चल रही है भाई, मैंने अभी ट्राई किया। और लोग एक काम करते हैं, सीधा तो ट्रेन की पटरियाँ आ चुकी हैं, लेफ्ट हैंड साइड में प्राइवेट जगह बनी हुई है। हाँ, राइट से ले लो, राइट हैंड साइड पे मेन रोड पकड़ लेते हैं यार। चलो भाई, अभी यहाँ से सीधा ले लो राइट साइड। माफी ने नक्शा भी नहीं दिया कि कहां पर जाना है। अच्छा, पोटैटो फैक्ट्री बोला तो था भाई, वो तो भाई आपको याद है ना, जहाँ पर हमने एक टाइम जॉब करके रखी थी। मेरे को याद है पोटैटो फैक्ट्री। आगे से यहाँ पर लेफ्ट होगा, यहाँ से लेफ्ट ना। अरे आगे से यहीं से ही लेफ्ट ले लो क्योंकि सामने पुलिस स्टेशन बना हुआ है। ये मेरे चाचा के बंदे हैं। कौन है यार ये लोग? एक मिनट भाई, जरा मैं जूम करके देखता हूँ भाई। ये आफिया मंगलू सिंह है। आफिया मंगलू सिंह, कौन सा बीटेक माफिया मंगलू सिंह है भाई? यहाँ पे निकल, गोली मार। वाह, गोलियां चला रहे हैं भाई। अबे तो तू भी तो चलाना, तेरे पास मशीन है। अरे गाड़ी टर्न करो भाई, मैं मुंडी हिला ही नहीं पा रहा अपनी उधर। मेरे को नहीं जाना, तू बेकार बंदे, जैसे कुछ नहीं होने वाला। ओके बच गए भाई, आई थिंक हम यहाँ पर बच चुके हैं। खतरनाक बंदे थे, काम करते। अरे वो मेरे पीछे आ रहा है। कहाँ पर है भाई? अबे तू गाड़ी चला, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तू गाड़ी चला, मैं चलाता हूँ गोलियां। सही है भाई, किधर है भाई, किधर है? एक मिनट भाई, मैं पहले यहाँ पर गाड़ी चलाता हूँ। अरे मैंने को देखा, उनकी पूरी टोली भी गाड़ी के अंदर बैठी यार। ये कैसे हाथ फैला के बैठ गई यहाँ पे शाहरुख खान की तरह? दिमाग खराब मत कर, पीछे से उनकी ओ भाई गॉड, आगे आगे आगे। कहाँ पर है भाई? अबे वो तेरे को गाली गाड़ी नजर नहीं आ रही पीछे? किधर है भाई? वो देख सामने। अरे वो एनपीसी है भाई। अबे नहीं है एनपीसी। चलो 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 भाई, मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। सामने से ट्रक भी आ रहा है भाई, हट जाओ। ट्रक को मुझे डॉच करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओके, आई थिंक हम यहाँ पर बच गए। जरा आसपास देखते हैं, कोई और है ना यहाँ पे? रुक जाओ, आराम से जाइयो। ओके, एकदम रूल फॉलो करके हम यहाँ पर जाना है, ठीक है ना? किसी को पता नहीं लगा। गोलियां चल रही है भाई, हमें भागो। अरे लोग, इन लोगों ने गाड़ी पूरी डैमेज कर दी, और तू पागल है यार। वही तो यार, वो माफिया तो हमें यहाँ पर छोड़ेगा नहीं, और ये दूसरे माफिया के बंदे भी हमारे पीछे यहाँ पर पड़ चुके हैं। मैंने आपको बोला था। ए भाई काम कर, जंगलों के अंदर गाड़ी ले, जंगलों के अंदर। हाँ, ये जगह जंगलों के अंदर। अबे यहीं से निकले थे माफिया, घर सामने है, क्विक क्विक। एक मिनट भाई, काम कर, यहाँ से ले लेते हैं भाई। यही देखो, यहाँ पर छुप जाते हैं। अच्छा लोग, यहाँ पर छुप जाके मत आइए भाई। ठीक है, मैं पहले यहाँ पर गन रीलोड कर लेता हूँ। मैं छुपने को बोला था, क्या कर रहा था सड़क के बीच में खड़ा यार? भाई मैं गोल्डन एप्पल यहाँ पे खा रहा हूँ, ये देखो पेड़ के पीछे मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ। अरे आ गए। किधर है भाई? भाई गाड़ी की आवाज तो मुझे, अरे सामने से गाड़ी आ रही है। वो रही मेरे को आ रही है इंजन की आवाज। अरे वो रही भाई, आई डोंट थिंक उनको पता है कि हम यहाँ पर छुपे हुए हैं। अबे छुप जा यहाँ पर, जैसे ही, अगर बात सुन, क्या हम उनको एम्बुश करेंगे? जैसे ही अपने पास आए ना, खोल देंगे दुपड़ो को। तेरी भाई, उन्होंने देख लिया भाई हमें। भागो, गोल्डन एप्पल खा लेते हैं। किधर है भाई, किधर है? ये रहा एक बंदा मेरे सामने, और मेन बंदा माफिया, क्या नाम है, कौन सा माफिया भाई? एक तो सारे माफिया पे नाम पे चल रहे हैं। माफिया का एम निकाल के भाई इनसे सोच लिया कि भैया बड़ा ड्रोन मार मार। ये रहा। तो क्या डैमेज दिया उसने? रुक जो मैं आ रहा हूं तो देने के लिए। बहुत ज्यादा खतरनाक बंदे हैं यहाँ पे यार। ये भाग तो गया, गोल्डन एप्पल भी वेस्ट हो गए। भागने दे। एक काम करते हैं, आई थिंक वो बंदे लेके आएगा यहाँ पर छानबीन करने के लिए। इससे पहले कि वो यहाँ पर बंदे लेके आए, हम यहाँ से निकल जाते हैं। सही है भाई, गाड़ी के अंदर बैठो, यहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। काम करते हैं भाई, कहीं जगह पे चलते हैं, वहाँ पर छुप जाते हैं। ये खाले सबसे पहले तेरी हेल्प हो जाएगी। गली के अंदर बंदा खड़ा है भाई, मारो उसको। ये भाई घर के पीछे खड़ा हुआ है।
हाइड एंड सीक खेली जा रही है हमारे साथ। लगो गाड़ी रस लेके साइड से पकड़ता हूं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये सही आईडिया। मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूं। ओके लॉगे, इसका मतलब ये है कि अभी जो मेन अड्डा जो इन लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ था ना, वो अभी क्लियर हो चुका होगा। एंड निकल निकल, चलो चलो चलो, राइट साइड से बंदा आ रहा है। कोई 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 कोई, निकल भागो 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 भाई, किधर है ये रहा सामने, भाग के जा रहा है। मत करिए भाई, हमारे पास यहां पर छुप जाते हैं। जा रहा है, उसने नहीं देखा, उसने नहीं देखा। अबे जल्दी कर, उसके पहुंचने से पहले हमें पहुंचने दे, वो और बैकअप लेके आ रहा है। वो उसने देख लिया, उसने देख लिया भाई, उसने देख लिया हमें। निकल जा से, अरे क्या बोल रहे हैं, चाट में आई विल कम बैक भाई। सारजी को स्पेलिंग भी नहीं आती। हां बाद में आना, बाद में आना। हां सही बात है, बाद में आना। अभी निकलते हैं, गाड़ी डिलीवर हो गई तब आ जाना। बोल रहे अबे यार लॉगी रात गए हम यहाँ पे। अरे आई थिंक हमने गलती कर दी रात के अंधेरे में आके यार। वही तो यार, ये आपका आप ही का आइडिया था भाई। अच्छा मेरा आइडिया, मेरे को घर पे उतार दे, मैं जा रहा हूँ घर जा रहा हूँ। ये रहने दो भाई, आपको पता ना अंदर बंदर है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। अरे हाँ, हमारा मेन बंदा तो घर के अंदर, जिसके पास बाज़ूका है, उसको लेके क्यों नहीं आ रहे हम लोग। अरे यार आपको पता ना भाई, उसके पास भले ही बाज़ूका है लेकिन एमो तो कभी होता ही नहीं है। चल 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 चल, उसके सामने कहीं मत बोल दियो, बाज़ूका से सर पार देगा तेरा वो। वही तो यार, जरा आस पास देखो, यहाँ पर तो कोई बंदे नहीं बैठे है ना। कहाँ पर है वो आलू वाली फैक्ट्री, कहाँ पर है? अरे आलू वाली फैक्ट्री इसी, वो पीछे से गोली आ रही है। भागो 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 भाई। अरे काम करता है, यहाँ पर टनल के अंदर छुप जाती हैं। ये एकदम से सही जगह है। चलो भाई यहाँ पर टनल के अंदर ना लीवर लगा हुआ, तो लीवर दबाएगा तो दीवार बंद हो जाएगी। अरे तो नाइस नाइस, पीछे वाले पीछे वाले पीछे वाले पीछे वाले, अरे बंद हो गया भाई। मैं जल्दी से ये वाला भी यहाँ से बंद, तेरी ये जाली होगी। फिर से कर, फिर से कर, कमन 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 भाई, जल्द चपाती भाई। भाई ये चल ही नहीं रहा है भाई, बंद कर दो इसको यार। लीवर खराब लगा के रखा हुआ, रुक जा कोई बात नहीं, मेरे पास तो है थोड़ा बहुत। सही है सही है सही है भाई, ब्लॉक से यहाँ पर बंद कर दो और मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ। और मैंने अभी बार नेम टैग देखा, कहाँ पर? अरे भाई मैंने अभी बार यहाँ पर नेम टैग देखा, ये देखो यहाँ पर छेद बना हुआ है। मैं यहाँ से जरा पिक करने की कोशिश करता हूँ। ब्रो गाड़ी डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, और बंदूक अपने हाथ में पकड़ ले। भाई जा रहे हैं, शांति, उनको पता नहीं लगना चाहिए। हिम्मत हिल का कोरा है। ठीक है भाई, मैं फिर भी हाथ में बंदूक पकड़ लेता हूँ। वेयर आर यू? अरे ग्रैनी है क्या? वेयर आर यू? ग्रैनी ग्रैनी खेल रहे हम लोग यहाँ पर। ओरे भाई बिल्कुल बुश के अंदर यहाँ पर छुपे हुए हैं पागलों की तरह, हम लोगों को ढूंढ रहे। मैं पहले यहाँ पर आ जाता हूँ साइड में। किधर क्या कर रहा है यार, किधर चले गए भाई? पुसर पुसर मत कर, तितर बितर कर देंगे हम लोगों को ये लोग। ओके आई थिंक अब यहाँ पे सेफ है, और लकड़ी गाड़ी के अंदर यहाँ पर ट्रैकर नहीं लगा हुआ है, नहीं तो वो हमें छोड़ते नहीं यहाँ पे। अगर ट्रैकर लगा भी हो ना गाड़ी के अंदर, तो अंडरग्राउंड ट्रैकर काम नहीं करता। अंडरग्राउंड सिग्नल नहीं आता। पीछे देखो भाई, वो देखो भाई, मैंने अभी उनको यहाँ पर देखा, बिल्कुल हमारे सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपने तो सही से ब्लॉक उतरी उतरी, ये किससे तोड़ा यहाँ पे? वो आगे आगे आगे, हिम्मत मार 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 मार, तेरी भैंस की आंख हमको मारेगा। मैं पीछे हो जाता हूं भाई यहां पे। लेट्स गो, इनको एक बंदा और क्या, लेट्स गो लेट्स गो। भाग रहा भाग रहा, मैंने एक के ऊपर मार दिया। नाइस नाइस नाइस, ये यहां पे गया, यहां पे गया। अच्छा अच्छा, किधर है भाई? ऊपर ही गया, ऊपर गया क्या? ये रहा चुप, ए भाग गया भाई यहां से, डर के भाग गया। डर के भाग तो, अरे ये रहा ये रहा, यहां से जा रहा है। पूरी फौज लेके आया यार इस बार तो। लेट्स गो, इसे खुद को कैसे मार दिया, ये पागल बंदा है। नाइस नाइस नाइस, टेंशन नो टेंशन नो टेंशन नो, लगता है इसका प्लान होगा भाई, इससे पहले कि ये कुछ और करे और बैकअप यहां पर बुला ले, यहां से निकल चलते हैं। अबे कोई प्लान नहीं है, उसने पागल बंदे ने खुद को मार दिया। ये भी गधा बंदा है। मैं पहले यहां पर लीवर दबाता हूं, वरना इस थोड़ी बहुत ब्लॉक्स यहां पर हट चुकी हैं। वो वाला लीवर दबाना, उससे क्या पता फिर से दीवार ऊपर हो जाए। अरे इससे सिर्फ दीवार बंद होती है। ओके ओके चलो 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 भाई, यहां पर फाइनली यार यहां पर रास्ता भी खुल चुका है। और पोटैटो फैक्ट्री, ये वाली है क्या? हाँ मेरे को याद है, यहाँ पर काम किया था। अरे ये नहीं है, वो सामने वाली है रोड की दूसरी साइड। अरे यही मतलब इलाका, यही है पोटैटो फैक्ट्री वाला। हाँ हाँ, और जरा आसपास देख लो भाई, यहाँ पर और कोई तो नहीं आ रहा है ना। जल्दी कर, हमको गाड़ी यहीं पे डिलीवर करनी है। मैं ठीक लगा दे आराम से आराम से आराम से। यहाँ पर एकदम से ठीक होगा, बिल्कुल कोने के अंदर, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। और भैंस की यहाँ पर तो गाली रिसीव करने के लिए बंदा भी तो नहीं है यार। अरे भाई कोई ना कोई तो होगा, मे बी फैक्ट्री के अंदर बैठा है। वो हैंड्स अप, क्या क्या है भाई, किसको देख लिया? नेम टैग नहीं दिख रहा यहाँ पर अंदर दीवार के अंदर। ये सामने वो देखो अननोन लिखा हुआ है। शांति, बंदूक पकड़ लो सर जी, कौन हो भाई, हैंड्स अप कर लो यहाँ पे। मैं गोली मारता हूँ पहले, बाद में बात करता हूँ। हेलो बोल रहा भाई, हेलो बोल रहा है तेरी सर जी के पास भी गोली है भाई यहाँ पे। माफिया का बंदा लग रहा है मेरे को ये। अरे हो सर, अरे कहीं भाई ये दूसरी माफिया का बंदा ना हो यहाँ पे। अननोन बंदा लिखा हुआ है भाई, मिस्टीरियस बंदा ये वाला तो। ओके यू गॉट द कार? हाँ सर जी, हम गाड़ी लेकर आए, वो देखो सामने खड़ी हुई है। अभी अब ये बात बोलियो कि पैदल जाना यार, यहाँ से तो बस भी नहीं मिलती भाई। तो भाई हम लिटरली सिटी के दूसरी तरफ आ चुकी है। गेटवे व्हीकल ये है क्या? क्या बात है नाइस नाइस भाई, माफिया ने क्या इंतजाम करके रखा है। चलो गाड़ी में बैठो, किधर चली गई गाड़ी, कहाँ पे उठा ली आपने? सॉरी, अरे वापस रखो गाड़ी को, मेरे पास है नहीं गाड़ी। उसने व्हाट, अच्छा लगता है ताजी गाड़ी निकाल रहा है हमारे लिए। गाड़ी निकाल क्या कर रहा है तू? टेक दिस कार एंड मीट द माफिया एट द हाउस। अच्छा नाइस भाई, माफिया का बंदा भाई, अपनी गेटवे व्हीकल है, पेट्रोल भी नहीं है गाड़ी में। रुक जा, मेरे पास है पेट्रोल। एक मिनट भाई, वो पहले वाला कनस्तर मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, पहले पहले इसके अंदर डाल। अबे क्या कर रहे हो? अबे है मेरे पास, मैंने डाल लिया पेट्रोल, टेंशन ना। चलो चलो नाइस यार, मेरे को लगा था कि हम ये गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे, अपनी गरीबाना जिंदगी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये तो मेरे को बोल रहा कि माफिया के घर के अंदर जाना ब्रो। अरे ओवे मे बी भाई, माफिया हमें बड़ी सी पेमेंट देगा इस गाड़ी के लिए। अभी कुछ भी नहीं देने वाला यार, कुछ भी नहीं देने वाला। पता ना जैसे ही उसको पता लगा कि ये गाड़ी हमने आधी स्क्रैच
अटैच करके रख दिया वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें उल्टा से पेमेंट देनी पड़ेगी। यो मेरे पास मस्त आइडिया है। क्या क्या क्या? एक काम करते हैं, निकल चलते हैं। कहाँ से भाई? अबे यहाँ से भाग निकलते हैं, किसी दूसरी सिटी के अंदर चले जाएंगे भाई, आराम से जिंदगी जिएंगे। यहाँ पर तो माफिया जीने नहीं देगा भाई, हमारे ऊपर 10 मिलियन का कर्जा, और कर्जा होते हुए भी हमारे से वो चोंगू काम करवा रहा है भाई। अरे आपको पता ना भाई, माफिया दुबई सिटी तक भी आ गया था, मे भी भाई वो कहीं और भी हमें ढूंढ ले यहाँ पे। आई डोंट थिंक वो आएगा यार, मेरी बात मान ले यार, निकल चलते हैं यहाँ से भाई। मुझे ऐसा लग रहा है आपको याद है ना भाई, लास्ट टाइम जब हमने एक टाइम माफिया की जॉब करके रखी थी, ये तो वही बंदा है भाई जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा था। निकल 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 निकल, इसको पता नहीं है, इसको 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 अभी भी लगता है कि हम येलो वाली गाड़ी के अंदर है। लेट्स गो भाई, हो सकता है मे बी वो सिर्फ येलो गाड़ी को जानता है, मे बी उसने बंदे नहीं देखे हैं यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ लॉगिन निकल लेते हैं घर जाके। अरे भाई घर तो बिल्कुल सामने है, लेकिन आपको पता ना इस गाड़ी के अंदर ट्रैकर भी लगा होगा। पीछे सर जी आ रहे हैं, माफिया कौन आ रहा पीछे? पीछे बॉडी गार्ड आ रहा है यार। अरे माफिया का बंदा है, इसने हमारे ऊपर कड़ी नजर रखी है। ये तो ब्रो 10 मिलियन की गाड़ी डिलीवर कर रहा है, तो माफिया ने 20 मिलियन है। हाँ वही 20 मिलियन, ऑब्वियसली माफिया ने हमारे ऊपर नजर रखने के लिए बंदे भेजे होंगे। वो नहीं चाहता होगा ना कि उसकी गाड़ी कोई कहीं ना कहीं चोरी हो जाए। हाँ, फिर एक काम करते हैं, नहीं कही माफिया ने, एक काम करते हैं फिर सीधा वहीं पर ही चलते हैं भाई, घर पे चलते हैं। ए चपाती भाई सुनो यार, इस माफिया से तो बचना बहुत ज्यादा इम्पोसिबल है, आपको पता ना भाई कैसे खतरनाक जॉब हमें यहाँ पर दे देता है। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि माफिया से हम यहाँ पर कैसे बच सकते हैं। और आई थिंक अभी इस वीडियो में भी इतना ही काफी है, तो होप यू एंजॉय, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए, टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।